वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। आज के इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस के बारे में देखेंगे। प्रेपोजिशंस का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन यह है कि प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है अथवा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हूँ प्रेपोजिशंस के एग्जांपल्स, इधर इन, फ्रॉम, टू, एक एक वर्ड है बट अलोंग विथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो प्रेपोजिशन वर्ड भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है। ऑफन प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ऑफन मतलब होता है प्रायः, प्लेस्ड बिफोर रहता है अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले रहता है यह प्रेपोजिशन। किस लिए रहता है? टू शो रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे शब्दों से रिलेशनशिप दिखाने के लिए रहता है। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा है कि प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सामान्यतः ऑफन प्रायः नाउन या प्रोनाउन के पहले रहता है और सेंटेंस के दूसरे शब्दों से वो संबंध को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, द ब्रिज गोज अक्रॉस द रिवर, पुल नदी के आर पार जाता है। तो यहाँ पे द रिवर नाउन हो गया और इसके पहले अक्रॉस आ गया, तो अक्रॉस क्या हो गया, ये हो गया प्रेपोजिशन। स्टेयर्स है तो इसके पहले अप हो गया प्रेपोजिशन, स्टोरेज के पहले ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, और यहाँ पे देखिए इट्स प्रोनाउन है इसके पहले हो गया प्रेपोजिशन, ऐसे ही विंडो के पहले भी यहाँ पे आउटसाइड एक प्रेपोजिशन है। तो आप यह डेफिनेशन देख चुके कि वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। टाइप्स कितने तरह के होते हैं प्रेपोजिशंस के? डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, किंतु सिंपल प्रेपोजिशंस एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस दो ही टाइप यहाँ पे आपको बताया जाएगा। सिंपल प्रेपोजिशंस में क्या होता है, शॉर्ट वर्ड्स होता है प्रेपोजिशन, शॉर्ट वर्ड्स जैसे एट, बाय, फॉर, ये सब जो दिख रहा है आपको थ्रू तक, इसको थ्रू बोलते हैं, थ्रू मतलब द्वारा। तो ये सब शॉर्ट वर्ड्स होता है, इसे बोलते हैं हम प्रेपोजिशंस, सिंपल वाला सिंपल प्रेपोजिशंस। दूसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जैसे हिंदी इसकी है जटिल, तो जटिल होना चाहिए, सिंपल का उल्टा जटिल होता है, अपोजिट जटिल होता है। तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है प्रेपोजिशन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सिंपल में शॉर्ट वर्ड्स होता है और वन ही वर्ड होता है, शॉर्ट वर्ड्स एंड वन ही रहता है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, देखिए यहाँ पे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का होता है के कारण, इंस्टीड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन दोनों का हिंदी एक ही होता है और हिंदी होती है दोनों के लिए के बदले में। इनसाइड भी एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है क्योंकि यह इन और साइड दो वर्ड से बना हुआ है और एक साथ में इनसाइड कहलाता है और यह एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है। तो इस तरह से आपने इस स्लाइड में देखा टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस केवल दो, सिंपल प्रेपोजिशंस एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। आगे बढ़ते हुए प्लेसमेंट ऑफ प्रेपोजिशंस, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस में कहाँ कहाँ होता है प्रेपोजिशंस। तो जैसा कि डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन होता है, ये हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था। तो यही केस वन हो जाएगा, यही रूल वन हो जाएगा कि नाउन या प्रोनाउन के पहले, देखिए ईवेसे के पहले, जो ईवेसे है आप जानते हैं, आर्टिकल्स में पढ़ा है कि ईवेसे के पहले टीएच लगाते हैं, तो ईवेसे के पहले, ईवेसे एक नाउन हो गया इसके पहले टू है, राम एक नाउन है इसके पहले एट है, गोइंग, गोइंग एक जेरंड है, जेरंड जानते हैं नाउन का काम करता है तो इसके पहले ये बिफोर है, ऐसे ही मॉर्निंग एक नाउन है इसके पहले इन है। तो आप यह पहला देख रहे हैं प्लेसमेंट की केस वन में कि जो डेफिनेशन है उसी के अनुसार प्लेसमेंट। दूसरा देखिए, दूसरा है एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के अंत में होता है। मैं पहले सर्कल कर देता हूँ,
यहाँ पे डील विथ टू भी है, टू भी प्रीपोजिशन ही है, लेकिन हमें अंत वाले की बात करना है। यहाँ पे भी टू है, इसकी बात नहीं करेंगे। ओवर हो गया, यहाँ पे ऑफ हो गया, तो डील नहीं, यहाँ पे विद हो गया, यहाँ पे इन हो गया, यहाँ पे अबाउट हो गया। तो ये सब जो प्रीपोजिशंस आप देख रहे हैं, इनका प्लेसमेंट लास्ट में होता है सेंटेंस के। देखते हैं हिंदी, राम इज टफ इनफ, राम इज टफ, राम इज टफ इनफ टू डील विद, राम को से निपटना बहुत मुश्किल है। देयर इज नथिंग टू थिंक ओवर, सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, हिंदी इसकी होती है, सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किससे भयभीत हैं। आई हैव अ हाउस टू लिव इन, मेरे पास रहने के लिए घर है। दिस इज द बॉय आई टोल्ड यू अबाउट, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे बतलाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंटेंसेस के लास्ट में भी प्रीपोजिशंस होते हैं। यह प्लेसमेंट नंबर टू, केस नंबर टू हो गया। इसके बाद है केस नंबर थ्री, एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के बिगनिंग में, शुरू में भी होता है। देखिए, फॉर हुम वॉज द टॉय मेंट, खिलौना किसके लिए था, खिलौना किसके लिए था, यहाँ पे फॉर हो गया, यहाँ ऑन है, यहाँ बाई है। ऑन विच ट्रेन इज ही ट्रेवलिंग, वह किस ट्रेन पे यात्रा कर रहा है। बाय हुम वॉज रावणा किल, रावण को किसने मारा। तो यह सब आप देख रहे हैं कि शुरू शुरू में यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो अभी तक प्लेसमेंट का हमने तीन रूल पढ़ा, और तीन ही रूल है प्रीपोजिशंस के प्लेसमेंट के। पहला रूल है जो डेफिनेशन के अनुसार, नाउन या प्रोनाउन के पहले, यह पहला रूल है। दूसरा है कि सेंटेंस के अंत में, तीसरा है सेंटेंस के बिगिनिंग में, बिगिनिंग में इसका यूज करना होता है। तीन ही प्लेसमेंट का रूल होता है प्रेपोजिशंस के। अब अगले वीडियो से हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस, यूसेज में देखेंगे कि वर्ब के साथ कैसे यूज होता है, नाउन्स के साथ कैसे होता है, एडजेक्टिव्स के साथ कैसे होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो